तो सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्केट में डंप भी स्टार्ट हो चुका है। सितंबर का महीने स्टार्ट होते ही यहाँ पे देखोगे तो 4% यहाँ पे बीटीसी ऑलरेडी डाउन आ चुका है। और इस महीने की खासियत यही है कि ये महीना हमेशा से नेगेटिव देखने को मिला है। अब ये कितना नेगेटिव जा सकता है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्या यहाँ पे बुलरन आएगा भी ये भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 54 का यहाँ पे बॉटम नजर आ रहा है बीटीसी का। अगर इसको भी नीचे आता है और हम लोग पैसा डालते रहते हैं और पता लगे बुलरन तो आना ही नहीं, तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी जानना हमारे लिए कि यार ये करेक्शन है या क्रैश है या फिर बुलरन खत्म है, तो ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आज की वीडियो में। प्लस यहां पे सिर्फ बिटकॉइन नहीं गिरा, यहां पे यूएस का मार्केट भी साफ हुआ है। और साफ कैसे हुआ, $1 ट्रिलियन यहां पे साफ हो गया। ये क्या न्यूज थी इस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा क्या हुआ मार्केट में। प्लस एक ऐसा कॉइन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 50% पंप हो सकता है अगले 18 दिन के अंदर। कौन सा ऐसा कॉइन है वो आप गेस करना, कमेंट बॉक्स में बताना। उसका एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। दूसरा एक और कॉइन के बारे में आपको बताना जो कि 2021 के अपने ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच गया, वो कौन सा कॉइन है। पॉज करो वीडियो को, अभी जाके कमेंट करो और मुझे भी पता लगेगा आप लोगों को कितनी नॉलेज है। तो ज़रूर बताओ, चीट मत करना, ठीक है, एंड तक कहीं देख के आप लिख दो वो मत करना, जल्दी से कमेंट करो। बाकी नेक्स्ट लेग अप जो कि बोला जा रहा है कि यार बुल रन का तीसरा जो फेस है, पहला दूसरा और तीसरा फेस यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले बीटीसी एक डाउनवर्ड मोमेंटम ले रहा है, तो ये भी हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले सभी को बोलूंगा पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। प्लस यार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार लाइक जरूर किया करो, मोटिवेशन आता है यार, मोटिवेशन के बिना ना होता नहीं है काम। आज की इस मार्केट में जब मार्केट इतना डाउन जा रहा है तब हमें आपके मोटिवेशन की जरूरत है, हमें आपको मोटिवेशन देना है और आपको हमें मोटिवेशन देना है, तो ये तरीका रहेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और बीटीसी के एनालिसिस देखते हैं। देखो बीटीसी में आया एक जबरदस्त डंप। अब इस डंप का पहले रीजन देख लेते हैं, क्योंकि यूएस का मार्केट भी यहां पे गिरा है, यूएस का मार्केट भी बहुत अच्छा कैसा गिरा। देखो तो आप $1 ट्रिलियन साफ हो गया, तो उसका रीजन ये निकल के आ रहा है कि एफबीआई ने ये बोला कि नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं बिटकॉइन ईटीएफ को हैक करने के लिए। ये न्यूज जो है मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, मैंने इसको शेयर भी किया है, एक मिनट रुको, ये वाला हाँ। तो एफबीआई ने ये बोला, अलर्ट दिया, नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं वो यहां पे यूएस क्रिप्टो एंड बिटकॉइन में से पैसा निकाल सकते हैं, तो इस वजह से यहां पे डाउन हमें जाता हुआ नजर आया। प्लस यूएस के अंदर से $1 ट्रिलियन वैनिश हो गया, मतलब रात को $1 ट्रिलियन साफ हो गया, इतना ज़्यादा पैसा निकला, और इसकी वजह से बिटकॉइन में भी पैनिक आया। और एक ये जो न्यूज़ निकली जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये नॉर्थ कोरिया का जो एफबीआई ने बोला कि हैक हो सकता है बहुत बड़ा बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर, ये भी एक पैनिक रहा जिसकी वजह से हमें एक बड़ा डंप देखने को मिला। बट देखो ये सारी चीज़ें तो कराई जाती हैं, मतलब ये ना सिनेरियो ऐसा बनाया जाता है ताकि मार्केट को कोई ना कोई वजह मिल सके नीचे जाने की। तो मुझे ऐसा लगता है ये मार्केट को वजह दी गई है क्योंकि सितंबर का महीना ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव रहता है बीटीसी के लिए। तो 14 दिन का समय रह चुका है जब यहाँ पे हमें नजर आ सकता है एक रेट कट देखने को। 59% लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेट कट आ सकता है। अब रेट कट से पहले या रेट कट के बाद पंप आएगा ये देखने वाली चीज़ होगी। मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यू है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बीटीसी कोई ना कोई बॉटम ज़रूर बनाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर। और उसका रीज़न क्या है कि जब रेट कट होने वाला होगा उससे पहले ही मार्केट ऊपर चले जाएगा और रेट कट के बाद जो है डंप कर सकता है। तो ये सिनेरियो बन सकता है क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट्स के साथ खेला जाता है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जब डिप मिलता है तब बाय करने की आप प्लानिंग करा करो। क्यों करा करो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चार्ट दिखाता है ना कि कितना डंप आ सकता है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 49,000 तक बीटीसी जा सकता है। वो मुझे देखो, मैं मुझे नहीं लगता अभी कि 49 तक जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जो है फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो इसको भी फिल किया जा सकता है। अभी इसको 100% आप नहीं कह सकते कि हाँ रॉनी भाई तुमने बोला था, मैंने तो भाई बोला था 54 का, मैं अभी 54 का लेके चल रहा हूँ, और इथेरियम का मैं लेके चल रहा हूँ कि इथेरियम जो है $2,000 तक आ सकता है, तो यहाँ पे तो मेरी बाइंग होगी। कल रात को ही जो है मैंने इथेरियम कुछ बाय करे हैं, क्यों करें, क्योंकि मुझे लगता है यार $2,400 से नीचे इथेरियम बहुत सस्ता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई मूव नहीं आया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन एरियाज पे इथेरियम को भी बाय करने का कोशिश करूंगा। अब क्यों करूंगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इथेरियम के फंडामेंटल्स जिस हिसाब के हैं वो मुझे नहीं लगता इस एरिया पे प्राइस रहना चाहिए। तो भाई मैं अभी भी
जो है कि बुल रन यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये जो सितंबर का महीना है ये डरा रहा है लोगों को, बाहर निकाल रहा है। और दूसरी बात यार, आप कल को जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आप फोमो में बाय करोगे, तो उससे अच्छा ये है कि आप कुछ अच्छी जैसे बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर लो, इथेरियम को कर लो, ऐसे कॉइन्स में आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। क्योंकि अभी यहाँ पे लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइंग कर ली है। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी बाइंग करी है, बट मेजर पैसा मैंने नहीं लगाया था, और इसी मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि कुछ बड़ा हो तो मैं एंट्री लूँ, नहीं तो मैं छोड़ दूँ। बट कुछ हो गया ऐसा, अचानक ही मार्केट जो है काफ़ी डंप आ चुका है। अभी 54,000 का लेवल मुझे नज़र आता है, ये लेवल पे ऐसा लगता है कि BTC इजिली इस लेवल को तो छुएगा ही छुएगा। अब बात आती है 53 को भी ब्रेक करेगा, या मतलब 54 को आप लगा लो और उससे भी नीचे आएगा, बिल्कुल भाई आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ पे टच किया हुआ है BTC ने, इस एरिया को टच किया है, तो लेट्स सी इस एरिया तक अगर आता है या नहीं आता। बट बहुत अच्छा क्रूशल सपोर्ट जो मुझे नज़र आ रहा है BTC का, वो 54 के पास भी आ रहा है, तो लेट्स सी, देखेंगे इसको। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये कंसॉलिडेशन तो डेफिनेटली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा क्रैश आ गया, दिस इज कॉल्ड कंसॉलिडेशन। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे क्या होता है इसका। उसके बाद अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो वो एक बेरिश मोमेंटम में आ रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स 100 को ब्रेक करता है, मतलब 100 के नीचे आता है, तो BTC के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, BTC के लिए हमेशा से अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं उस कॉइन के बारे में जो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। आपने आई होप गैस कर लिया होगा कौन सा कॉइन है वो है ट्रॉन। ट्रॉन है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, जो 2021 में इसने बनाया था। बहुत कम कॉइन्स हैं, इवन कि मेरी नज़र में तो कोई कॉइन नहीं आता जिसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हो या फिर ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, तो ये ट्रॉन है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि रॉनी भाई ट्रॉन आपको अभी बाय करना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं भाई, मुझे ट्रॉन बाय ही नहीं करना, मुझे बाय करना इथेरियम, मुझे फंडामेंटल्स के साथ जाना है, मुझे कोई उछल्ले कॉइन पे नहीं जाना जो यहाँ पे ऊपर गया है सिर्फ मीम कॉइन्स की वजह से। तो मैं यहाँ पे ट्रॉन को बिल्कुल भी बाय नहीं करने वाला हमेशा से, मेरा ये सब मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो, जस्टिन सन की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता हमेशा से कॉइन। तो यहाँ पे पंप एंड डंप्स ज़रूर आएंगे, बट आई लाइक इथेरियम, तो मैं इथेरियम को एक्यूमुलेट करूँगा। अब ऐसा कॉइन जो यहाँ पे पंप हो सकता है उस कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सोलाना। सोलाना का ब्रेक पॉइंट यहाँ पे 2024 है, 20 और 21 तारीख को सिंगापुर में होने वाला है। आई होप, मैं भी सिंगापुर का प्लान कर रहा हूँ, जो ये इवेंट है इसमें शामिल होने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी अगर मैं शामिल होता हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके लाऊंगा। अब लेट्स सी देखते हैं कि होता है या नहीं होता, टाइम ही बताएगा वो, बट अगर होगा तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा इस इवेंट को और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये इवेंट की खासियत क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब ये इवेंट हमेशा से सोलाना के लिए बढ़िया रहा है, क्यों रहा है, 2021 के अंदर जब ये इवेंट आया था तो इस इवेंट के 19 दिन पहले यहाँ पे सोलाना में पंप शुरू हो गया था और 68% जो है पंप किया था सोलाना उस टाइम 2021 के अंदर। 2022 के अंदर बात कर लेते हैं, जब मार्केट बेयर मार्केट में आ गया था, मतलब डाउन साइड मोमेंटम आ रही थी, सोलाना गिर रहा था, तब जब ये इवेंट आया था तो 16 दिन पहले, कॉन्फ्रेंस के 16 दिन पहले यहाँ पे पंप होना शुरू हो गया था सोलाना और 42% के करीब यहाँ पे पंप हुआ था। 2023 के अंदर यही इवेंट हुआ था सेम, जब यहाँ पे 8 दिन पहले 66% का पंप आया था। अब बारी आती है 2024 की, तो यहां पे 16 दिन अभी बाकी हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन अब मेरे हिसाब से बाकी होंगे, तो क्या यहां पे पंप आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है सोलाना की कि भाई ये जो है पंप करता है जब ये इवेंट आता है, मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी सोलाना ने $122 का जो है डंप लगाया, एक अच्छा खासा डंप लगाया। आई होप आपने इसको एक्यूमुलेट कर लिया हो, ये एरिया बहुत अच्छा था यार, इस एरिया पे बाय किया हो आई होप, क्योंकि नेक्स्ट एरिया हमारा 106 पे बनता है, वो बहुत दूर है अभी। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें समझ आती है कि ये ब्रेक पॉइंट उस टाइम कर रहे हैं जब सितंबर का महीना ऑलमोस्ट जो है आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ से जो है मार्केट की एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये ब्रेक पॉइंट भी हो रहा है उसी टाइम ही एंड में हो रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा महीना निकल जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली चीज़ होगी कि इस बारी भी क्या सोलाना इस चीज़ को दोहराता है या नहीं दोहराता। कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि ये पंप होगा, जिस हिसाब से ये पंप होता हुआ है पिछले 3 बारी में हो चुका है, चौथी बारी में लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मार्केट के सेंटीमेंट्स तो 2023 में भी ख़राब थे और 2022 में भी, तो देखने वाली चीज़ होगी कि इस बारी सोलाना क्या करता है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। अभी मैं BTC का
देखना चाहूंगा कि क्या रुख आता है क्या नहीं आता। लेट्स सी, देखते हैं। सेंटीमेंट्स तो बहुत खराब हैं, बट खराब सेंटीमेंट्स में ही मजा आता है एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि इस टाइम कोई बाय करना नहीं चाहता, इस टाइम सब लोग मार्केट से दूरी बना के रखते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां पे कोई भी न्यूज आएगी तो मैं डेफिनेटली वहां पे शेयर करूंगा, कोई भी चार्ट होगा तो जरूर शेयर करूंगा। गुड बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।